विश्व धरोहर शिमला कालका रेल लाइन पर चलती ट्रेन में उस समय साहित्य का अनूठा संगम देखने को मिला जब देश के लेखकों और कवियों की टोली कविताओं का मंचन करते हुए सफर पर निकली। पिछले 5 सालों से लगातार हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच हेरिटेज ट्रैक पर बाबा भलकू की याद में इस तरह के सफर का आयोजन करती आ रही है ताकि बाबा भलकू के शिमला कालका ट्रैक को बनाने के लिए दिए गए योगदान को याद किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कवियों का सम्मान करते हुए उनके साथ रेल में सफर भी किया। 2 दिन तक होने वाले इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य दुर्लभ प्रतिभा के धनी मजदूर भलकू जमादार के हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग और शिमला कालका रेल के सर्वेक्षण में दिए गए अहम योगदान को याद करना है। जी, हमारा हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच है जो 5 सालों से नियमित बाबा भलकू स्मृति कालका शिमला यात्रा आयोजित कर रहा है। इस यात्रा का मेन मकसद यही था कि हम जो हमारे हीरो है बाबा भलकू की, जिनका हिंदुस्तान तिब्बत रोड में एक मजदूर के नाते बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये भी माना जाता है कि जो कालका शिमला रेल का सर्वे जब ब्रिटिश इंजीनियर नहीं कर पा रहे थे तो भलकू ने इसमें बहुत हेल्प करी थी, और उन्होंने परमाणु उधर कालका से आगे शिमला तक सर्वे किया था, और उनके साथ बहुत सी किंवदंतियां जुड़ी हुई है। और आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड जब बना था तो कितना दुर्गम किन्नौर था, शिमला के लिए रास्ते कोई नहीं थे, तो उस टाइम अंग्रेजों ने तो उनको सर्टिफिकेट दे रखे, उसमें बाकायदा मेंशन कर रखा है कि भलकू एक कोई दिव्य शक्ति उसके पास थी कि जब हमारे हम सर्वे में फेल हो जाते थे तो वो पहाड़ चढ़ लेता था। वो मतलब जैसे कोई मतलब जानवर होते हैं कि भाई बिना उसके वो पहाड़ चढ़ लेते थे, तो उसी तरह वो भी एक्टिव था। तो उसको ओबेशेर की उपाधि भी दी थी, अनपढ़ थे वो, तो उनको ओबेशेर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। तो हम उन्हीं की स्मृति में और उन्हीं की स्मृति को ध्यान में रखते हुए हम तमाम उन मजदूरों के लिए इस यात्रा को समर्पित करते हैं जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड जिन्होंने बनाया, जिन्होंने कालका शिमला रोड बनाया। उस पर मशीनें नहीं होती थी, ये हाथ से ये रोड बना था और कई लोग शहीद भी हो गए थे। तो यात्रा उनको समर्पित है, और भलकू जैसे हिमाचल प्रदेश के हीरो जिसका म्यूजियम भी रेलवे ने खोला है तो उसको ये यात्रा समर्पित है। 2 दिन की हम यात्रा करते हैं, और जैसे आज यहाँ से हम बड़ोक तक जाएंगे, और इसकी एक खासियत अनूठी यात्रा इसलिए भी है कि इस ट्रेन में हम चलती ट्रेन में स्टेशनों के नाम पे गोष्ठियाँ करते हैं। जैसे शिमला सत्र होगा वो कविता के लिए समर्पित है, समरहिल सत्र होगा वो कहानी के लिए गीत संगीत के लिए है, और इसमें 2-3 सालों से थ्रू आउट इंडिया से लेखक आते हैं। इस बार में हमारे पास 15 लेखक है जो कानपुर से हैं, मुंबई से हैं, लखनऊ से हैं, और अहमदाबाद से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, चंडीगढ़ से हैं, और हिमाचल के हमारे मंच के सदस्य तो हैं। और दूसरे दिन हम ये यात्रा आज खत्म होगी, दूसरे दिन हम बस से चायल जाएंगे, और बाबा भलकू का जो गांव है चायल से 8 किलोमीटर दूर झाझा गांव, उनके परिजनों से मिलेंगे जो 6वीं-7वीं पीढ़ी के हैं, और उनसे बातचीत करेंगे। बता दें कि पहले दिन कवियों की टोली रेल से शिमला से बड़ोग और दूसरे दिन बस से बाबा भलकू के गांव चायल का दौरा करेगी और उनके वंशज से भी मुलाकात करेगी। इस दौरान हर स्टेशन पर कविताओं के अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच के सदस्यों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से 15 नामी लेखक और कवि सफर का आनंद उठाएंगे और कविताओं के माध्यम से बाबा भलकू के योगदान को याद करेंगे। चलती रेल में कहानी संस्मरण कविता गजल संकेत के कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। पहला सत्र शिमला रेलवे स्टेशन के नाम रहा। यहाँ लेखकों का सम्मान करने के बाद कालका शिमला रेलवे के इतिहास और बाबा भलकू जमादार के योगदान को लेकर जानकारी दी गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज himachal.kesri।